देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। गोंडा के करनैलगंज में प्राथमिक विद्यालय टिगनहा में शिक्षिका की बड़ी मनमानी सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि जाति भेदभाव से ग्रस्त शिक्षिका ने अनुसूचित जाति की लड़की को विद्यालय में आने से रोका। अपनी बेटी से हुई दुर्व्यवहार का पक्षपात से परेशान होकर परिजनों ने जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि क्या उच्च अधिकारी इस मामले में को गंभीरता से लेकर कोई कार्रवाई करते हैं या पीड़िता की शिकायत को अनदेखा कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। सदी 3 महीने से लगातार भगावत थी। के भगावत? सदी कौन मैम? सदी जे हमारे क्लास में पढ़ावत थी। कौन मैम पढ़ाती है? मैम पूजा। पूजा मैम 3 महीने से तुमको लगातार भगावत भगा देती है? हाँ। तो क्यों भगा देती हैं? खाते चमार जात का छोटे जात का हम ना पढ़ेंगे। चमार जात का छोटे जात का हम ना पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए कह करके ये कह कर भगा देती हैं। हाँ। अच्छा, कहते कि हम जबरदस्ती बैठे हुए तो हम तो कह दे मैं 3 महीने पढ़े। कहते हैं जबरदस्ती बैठे हुए तो 2-3 महीने पढ़े हुए। हाँ। अच्छा, तो क्यों रो रही हो तुम? क्या है भैया मामला, क्या है मिटिया, क्यों रो रही? नहीं बता पा रही, आप बताइए कुछ। सर ये आप डरती है थोड़ा, लेकिन ये इसको मैंने मैडम जी से जो कहा कि आप बच्चा क्यों भगा दिया जाता है, इसको बताया जाए, समझाया जाए, 15 दिन 10 दिन इसको बताया जाए, तो कहती हैं आपके बच्चे को हम पर्सनल नहीं बैठी हुई हैं, 6 घंटे मेरे होते हैं, 18 घंटे आपके होते हैं, और ज़्यादा 3-5 करोगे तो 100 नंबर बुलाएंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा से। अनिल, विद्यालय की शिक्षिका ने अनुसूचित जाति की लड़की को विद्यालय में आने से रोका है, ये कितनी शर्मनाक बात है, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? तो बता दें कि ये पूरा मामला करनैलगंज तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय टिगनहा का है, जहां पर एक अनुसूचित जात को एक अध्यापक द्वारा बताया जा रहा कि आप अनुसूचित जात के, आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पीड़ित का आरोप है, और इसके आरोप के पीड़ित परिवार कुछ अधिकारियों के लिए न्याय की गुहार लगाई है, जहां अधिकारियों ने इनको आश्वासन दिया है कि अगर कुछ ऐसा कुछ बहा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बात किया गया सर। अनिल, विद्यालय प्रशासन में जो उसके प्रधानाचार्य हैं उनसे क्या बात हुई आपकी इस संबंध में? जी, इस संबंध में कॉल जब किया गया था तो उनका मोबाइल नॉट रीचेबल जा रहा था। जब मेरी बात BSC गोंडा अखिलेंद्र प्रदास से हुई तो उन्होंने बताया कि इनको तलब किया गया है, वो अभी आएंगी तो उनसे बात किया जाएगा, अगर भी ऐसा कोई प्रक्रिया आ तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सभी बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि करनैलगंज तहसील क्षेत्र टिगनहा में एक अनुसूचित जात की बच्ची है, उसको भी बताया जा रहा है कि आप अनुसूचित जात को हम नहीं पढ़ाएंगे, ये पीड़ित का आरोप है। अनिल, जिले के उच्च अधिकारियों ने इस पे क्या बोला जब इनको ये जानकारी दी गई? जिले के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, उनसे आख्या मांगी गई थी, आख्या उन्होंने दे दिया है, लेकिन उनको तलब किया गया है, अगर आज बुलाया गया, अगर ऐसा कोई मामला आएगा, जांच किया जाएगा तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत गलत बात है कि शिक्षिका द्वारा बच्चे के साथ इस तरह से भेदभाव किया गया और उसको अपशब्द बोल के उसको स्कूल में आने से रोका गया। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बुलंदशहर से, जहां करप्शन और महिला कर्मचारियों से गलत आचरण के चलते DSO अभय प्रताप सिंह की शासन से निलंबित कर दिया गया है, और साथ ही DSO पर आरोप है कि राशन की दुकान से अवैध वसूली का खेल भी चल रहा था, जिसको लेकर सेना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने भ्रष्टाचार और महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने की शिकायत की है। बता दें, जाँच में DSO के खिलाफ आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद DSO अभय प्रताप को सहारनपुर ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का फिर से एक रूप सामने आया, जिसमें राशन डीलरों से DSO
खबर बुलंदशहर से, जहां करप्शन और महिला कर्मचारियों से गलत आचरण को लेकर डीएसओ अभय प्रताप को शासन ने निलंबित कर दिया है। विशाल, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के जो अभय सिंह प्रताप इंस्पेक्टर हैं, वो राशन डीलों से अवैध वसूली और महिलाओं से अपद्रव्य का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें कि जो सियाने के गजेंद्र विधायक को, सॉरी, देवेंद्र लोधी हैं, उन्होंने एक शिकायत पत्र भी लिखा, उसमें जांच भी पाई गई। विशाल, आपको हमारी आवाज आ रही है? विशाल, कार्रवाई क्या हुई है डीएसओ पर? मैं आपको, मनीष जी, आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर का जो अभय प्रताप है उनसे कार्रवाई की गई है और उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें कि सहारनपुर से अटैच भी कर दिया गया। राशन की दुकानों से अवैध वसूली की बात भी सामने आई है, इसको लेके क्या कार्रवाई हुई है? मैं आपको बता दूं, जैसे कि राशन दिवसों में अवैध वसूली कराई जाती थी, उसको लेकर देवेंद्र सिंह लोधी ने एक शिकायत पत्र भी दिया था, उसमें जांच भी की गई, जांच में पाया गया, पाए जाने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। जी विशाल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रदेश के मेडिकल छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम बिजस पाठक और सपा सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जहां सपा सदस्यों ने काफ़ी अभद्रता की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में कोई तालमेल नहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं पर डिप्टी सीएम बिजस पाठक को बोलने से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मना करते हुए हंगामा किया और समाजवादी पार्टी सदस्यों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं। गौरव, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, फिर एक बार अखिलेश यादव और बिजेश पाठक के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? पार्टी उस रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है। पहले 14 सितंबर को मार्च की पार्ट थी, मार्च निकाला जाएगा, उसके बाद जब हमारी पार्टी के विधायक को नजरबंद कर दिया गया, हाउस कर दिया गया, तो उनकी जो रणनीति थी वो काम नहीं कर पाई। उसके 19 सितंबर को कहा गया कि हम विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे और इनपुट ऐसे आ रहे थे कि इन्होंने कोई आज्ञा भी ली, कोई परमिशन भी नहीं ली थी इसके लिए, जिसको लेकर इनका बनरे बस चौराहे पर रोक दिया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव वहीं पर धरने पर बैठ गए और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उस दिन का विधानसभा सत्र का जो दिन था 19 तारीख का, वो स्थगित हो गया था और कल भी उनकी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तीखी नोकझोंक हुई थी। अखिलेश यादव लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगा रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी सरकार से बेहतर है यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था हुई है, कोरोना के समय में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हमने काम किया, लोगों की जान बचाई और साथ ही साथ तमाम ऐसे आयाम प्रस्तुत किए जिसकी प्रगति पर आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो वही अगर आज के सत्र की बात करें तो आज अखिलेश यादव उसी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आए थे और उन्होंने ये बार और कही कि ब्रजेश पाठक छापामा मंत्री बन गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, जिस पर आज ब्रजेश पाठक ने उनके साथ जवाब शब्द करते हुए कहा कि अखिलेश यादव बिन पानी की मछली की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता कहां से जा चुकी है, सत्ता में है नहीं, इसलिए सत्ता का जो तड़प है वो नजर आ रही है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ब्रजेश पाठक का डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में उनका कहना था कि अखिलेश यादव एक रणनीति के साथ आए हैं, पर उनके पास न तथ्य है न तथ्यात्मक जानकारी है और केवल सरकार के सिर पर ठीका फोड़ रहे हैं, जबकि उनका रिएक्शन ऐसा है कि केवल बयानबाजी कर रहे हैं, लोग जाने।
क्या अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ना कोई तथ्य है ना कोई जानकारी है। इस दौरान जब हमारी पार्टी के विधायकों ने जब वहां पर हाई अल्लाह का माहौल बनाया तो उनको भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डांटते हुए कहा कि दिमाग खराब मत करिए, बात सुनिए, जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसकी सुरक्षा रहिए, उसकी सुरक्षा नहीं है उसके बाद ही कोई बवाल करिए। गौरव, अखिलेश यादव बराबर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और महंगाई बेरोजगारी को लेकर बराबर योगी सरकार को घेरते आए हैं। आज उन्होंने फिर विधानसभा में फिर ब्रजेश पाठक को अपना निशाने पर लिया, इस पर ब्रजेश पाठक ने इनका क्या जवाब दिया? ब्रजेश पाठक कहना था कि अखिलेश अनगल बातें कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, कोई औचित्य नहीं है इन बयान के पीछे, क्योंकि सरकार भी जानती है और जनता भी जानती है कि हमारा कार्यकाल कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर करते नजर आ रहे हैं, ये बिन पानी के मछली की तरह रिएक्ट कर रहा है क्योंकि सत्ता इनके हाथ से जा चुकी है। सत्ता की तरफ अब अखिलेश यादव के बयानबाजी में नजर आ रही है और निश्चित रूप से जो आज माहौल रहा वो ये दिखाता है कि कल का दिन जो महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है उसमें भी खासा बवाल होने की संभावना है। हालांकि सत्र की शुरुआत भी वैसी हुई थी और साथ ही साथ उम्मीद की जाती है कि बेहतर माध्यम से यहाँ पर बेहतर करने का प्रयास किया जाए। सत्र होता है जनता के लिए सत्र होता है, जनता के मुद्दों के लिए सत्र होता है, अध्यादेशों के लिए, पर यहाँ पर सत्र में केवल और केवल बयानबाजी चल रही है और बयानबाजी के बीच सत्र की जो मंशा है वो रूप काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सत्र के दौरान हंगामा करके वॉकआउट भी किया, तो ये कहां तक सही है? भाई मैंने मनीष आपको बताया कि सत्र की गरमा बनाए रखना है, 5 दिन का सत्र है, मानसून सत्र 19 से 23 तारीख तक चलेगा जिसमें एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, तो निश्चित रूप से सत्र का उपयोग करना है। सरकार को घेरना तो है, सरकार के खिलाफ बात भी करनी है, पर सत्र में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना है और मुद्दों को ऐसे उठाना है कि जनता तक आवाज जाए। केवल आपसी बयानबाजी इससे काम नहीं करने वाला, सत्र का उपयोग करना है और जनता के मुद्दों की चर्चा भी करनी है और आने वाले समय में किस तरह रूपरेखा रखी जाए ये भी बड़ा आवश्यक है। जी हाँ, जनता के मुद्दों को उठा के उस पर सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा करना और अनर्गल बयानबाजी करना उसके बाद वॉकआउट कर देना ये थोड़ा सही नहीं लगता है। फिलहाल गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में सरयू नदी रौद्र रूप धारण कर लिया है, खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर सरयू नदी का जलस्तर पहुंच गया है। घाटों पर जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जल पुलिस बोट से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से रोक रहा है। सुरक्षा घेरे में श्रद्धालुओं ने स्नान करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। कई जगहों पर निचले इलाकों में भी पानी घुस चुका है, तो लगातार सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से बहुत सी समस्याओं का सामना वहां के लोगों को भी करना पड़ रहा है और श्रद्धालुओं को भी करना पड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मौजूद है। राघवेंद्र, सरयू नदी का पानी रौद्र रूप धारण कर चुका है, वहां से वहां के निवासियों को और श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बता दें तो अयोध्या में पूरे उफान पे है, रौद्र रूप अपना धारण कर लिया है सरयू ने। आपको बता दें कि खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात अगर प्रशासन की करेंगे तो जिला प्रशासन जो है वो सरयू को घाटों पर स्नान करने के लिए मना कर दिया है और सीधे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सीढ़ियों पे, घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पे नहाएंगे, नहाने के बाद अपना दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात नौका विहार की है, अगर नौका विहार वो नहीं करने देना चाहते हैं, कह रहे हैं जिला प्रशासन की नौका विहार हर हालत में यहाँ नहीं करना है। और अगर दूसरी बात की जाएगी तो सुहावल तहसील पड़ती है अयोध्या में, सुहावल से और ढेमुआ घाट से और गोंडा को जाने वाली सड़क जो है वो सरयू के कटान में आ गई है, आधे से ज्यादा सड़क जो है वो कट गई है जिसको लेकर के आवागमन बाधित हो गया है। जिला प्रशासन ने 4-व्हीलर वाहनों को लेकर के वहां पर रोक लगा दी गई है, केवल मोटरसाइकिल और साइकिल सवार उस रास्ते से गुजर रहे हैं। जी मनीष, राघवेंद्र, जल पुलिस की भी तैनाती कर दी गई और श्रद्धालुओं को भी बकायदे उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको जो है स्नान करना है और कहां उनको स्नान नहीं करना है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? अगर बता दें तो ये सबसे बड़ा माहौल जो है वो यहाँ पे स्नान घाट के पास सबसे ज्यादा पब्लिक जो है वो घाटों को लेकर के, उसके बाद स्नान घाट पे इस टाइम मुर्दे जलाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सहारा हो रहा है, जो कि
जो वहाँ की पब्लिक लेकर के अपने शो को आती है और वो रास्ते में ही कहीं जब सूखे का सहारा लेता है तो वहाँ जलाते हैं। उस पर जो है वहाँ की पब्लिक जो है वहाँ कुछ नाराजगी भी दिखाई दी है, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन इसके लिए एक अलग रास्ता अपना रहा है। और उसके बाद अगर बात करेंगे श्रद्धालुओं के यहाँ आने के लिए तो बाकायदे बैरिकेटिंग करके और सीढ़ी के पास जो है वो नहाने के लिए आदेश दिया गया है। जी राघवेंद्र, कई निचले इलाकों में भी पानी भर गया है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं और क्या सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? बिल्कुल, अगर बता दें तो कल जिला प्रशासन जिसने डीएम और ये क्या नाम है इनका प्रशांत वर्मा जी हैं, एसएसपी हैं, ये दोनों लोगों ने पूरी टीम के साथ जो है वो निचले एरियो में तराई एरियो में जा करके उन्होंने जिस जिस जगह पानी घुसने का काम हुआ है, जिस जगह पानी घुसे हैं वहां का उन्होंने जायजा लिया है। बाकायदे पीड़ितों के परिवार को आश्वासन दिया गया है और उनको उस जगह से खाली करने के लिए बोला गया है। उसके लिए उन्होंने एक अलग व्यवस्था की है कि उनको कहां लेके शिफ्ट करना है अगर इस तरीके की घटना होती है यहां पर। तो जी राघवेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।